हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस से पार्ट 4 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 26 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात क्रमशः 3:5:2 है। 3:5:2, ये पहला वाला कार का है, ये बाद वाला जीप का है और ये लास्ट वाला ट्रैक्टर का है। आगे दिया है जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, तो मैंने यहाँ पर 250% कर दिया, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर है। आगे दिया है जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यहाँ से भी मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। देखो, स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो डिस्टेंस है वो हमें दिया है 360 किलोमीटर और टाइम दिया है 12 घंटे, तो 12 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये मैंने किसकी स्पीड निकाल दी, ट्रैक्टर की स्पीड निकाल दी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, इनकी स्पीड का अनुपात हमें दिया है, ट्रैक्टर की स्पीड मैंने निकाल दी, तो ट्रैक्टर की स्पीड यहाँ पर है 2, यानी 2 की वैल्यू हो जाएगी 30 के बराबर, तो 1 की वैल्यू निकाल दो, 1 की वैल्यू होगी 15 के बराबर। तो मुझे क्या चाहिए, कार तथा जीप की मिलाकर औसत गति कितनी है, यानी एक तो मुझे कार की स्पीड चाहिए और एक जीप की स्पीड चाहिए। तो देखो, मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 15 के बराबर, तो 3 की वैल्यू चाहिए, तो 3 × 15 यानी 15 × 45, तो कार की स्पीड मैंने निकाल दी। और जीप की स्पीड भी मैं निकाल सकता हूँ, 5 × 15, तो 15×75, तो कार की होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा और जीप की हो जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। या मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, देखो यहाँ से भी वही आएगा, जीप की अगर मुझे निकालनी है तो ट्रैक्टर की मेरे पास है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे ट्रैक्टर की 30 हो जाएगी इनटू ये 250 है, 250 और प्रतिशत का मतलब बटे में 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 5 से काटूँगा, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 5, फिर 2 से काटूँगा तो यहाँ पर होगा 15, तो 15×75 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से भी 75 आ रहा है, यहाँ से भी हमने 75 किलोमीटर प्रति घंटा ही निकाला है। ठीक है, मुझे क्या निकालनी है, कार तथा जीप की मिलाकर औसत गति। तो कैसे निकालूंगा मैं, देखो इसमें हमें डिस्टेंस नहीं दी है, तो मैं डायरेक्ट इनको जोड़ के बटे 2 करूंगा, यानी जैसे हम नॉर्मली औसत निकालते हैं, जैसे दो संख्याओं का औसत निकालना है तो दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दो और बटे में 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 45 + 75/2, तो 5 और 5 10 की 0, 7 और 4 11 1 12/2, तो यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। देखो, इसमें स्टार्टिंग में दिया है कि कोई मालगाड़ी है, यहाँ पर मैं दिल्ली मान लेता हूँ और यहाँ पर मुंबई मान लेता हूँ, तो दिल्ली से मुंबई की ओर जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आगे दिया है उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है, तो दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी, ये मुझे निकालना है। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये सापेक्ष और निरपेक्ष गति वाली क्वेश्चन है, तो सापेक्ष और निरपेक्ष गति वाली जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें सबसे पहले हमें टाइम बराबर करना होगा। टाइम बराबर करने का मतलब क्या है कि देखो, इसमें स्टार्टिंग में दिया है कि एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है, तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी, 2 घंटे बाद का मतलब क्या है कि देखो, 2 घंटे मान लीजिए यहाँ पे इसको 2 घंटे हो रहे हैं, तो अगर ये 8 बजे यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी तो 2 घंटे बाद का मतलब 10 बजे यहाँ पे पहुँचेगी, और 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, देखो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रही है, तो 2 घंटे में कितनी जाएगी, 40 × 2 यानी 80 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेगी। इसमें दिया है उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी, देखो 2 घंटे बाद जो मालगाड़ी है वो तो यहाँ पर है, बट जो एक्सप्रेस गाड़ी होगी वो यहाँ पर होगी, यानी एक्सप्रेस गाड़ी यहाँ पे कितने बजे होगी, 10 बजे होगी। एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए, एक्सप्रेस गाड़ी भी दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही है, मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है, यानी जिस पथ पर मालगाड़ी रवाना हुई उसी पथ पर जाती है।
तो इसमें जो गति होगी वो क्या होगी, सापेक्ष गति होगी, यानी दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे होंगे। तो सापेक्ष गति के लिए हमेशा जो स्पीड होती है उसको माइनस करते हैं, और जो निरपेक्ष गति होती है उसके लिए हमेशा जो स्पीड होती है उसको प्लस करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला था सापेक्ष और निरपेक्ष गति के लिए हमेशा टाइम को पहले बराबर करते हैं। तो देखो मैंने टाइम बराबर कर दिया, यहाँ पर भी 10 बजे हो गया और ये भी 10 बजे हो गया, तो दोनों का टाइम अब बराबर हो गया। अब देखो 10 बजे ये यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी और 10 बजे ये यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इनके दोनों के बीच में, डिस्टेंस कितने का है, 80 किलोमीटर का है। तो डिस्टेंस हो जाएगा 80 किलोमीटर का, और स्पीड कितनी हो जाएगी, सापेक्ष गति है यानी एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड आपस में माइनस हो जाएगी। तो एक की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इनको माइनस कर दो तो 60 माइनस 40 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी स्पीड हो जाएगी। तो मैं यहाँ से टाइम निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस है 80 किलोमीटर और स्पीड है 20, तो इससे ये कैंसिल कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 घंटे। तो टाइम कितना ले रहे हैं ये, टोटल 4 घंटे ले रहे हैं, यानी 4 घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो मान लीजिए 4 घंटे यहाँ पे होते हैं, ठीक है, 4 घंटे यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो हमें क्या निकालना है कि दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी। तो किस दूरी पर जा मिलेगी, देखो मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ। देखो अगर मैं इसको मालगाड़ी से सॉल्व करता हूँ तो डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम। तो जो मालगाड़ी की स्पीड है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना है, टाइम है 4 घंटे, तो गुणा 4 हो जाएगा, यानी 4 चौके 16, ये हो जाएगी 160 किलोमीटर। तो मालगाड़ी यहाँ पे है तो इससे 160 किलोमीटर आगे जाके मिलेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 160 किलोमीटर। और हमें कहाँ से कहाँ तक की दूरी निकालनी है, दिल्ली से, दिल्ली से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी 160 प्लस 80, तो टोटल इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 240 किलोमीटर के बराबर। या अगर मैं इसको एक्सप्रेस गाड़ी से निकालता हूँ, एक्सप्रेस गाड़ी के द्वारा इसको सॉल्व करता हूँ, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो स्पीड है एक्सप्रेस गाड़ी की 60 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना है, टाइम दोनों कंडीशन में 4 घंटे ही होगा, तो गुणा कर देंगे 4, तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24, यानी 240 किलोमीटर। और जो एक्सप्रेस गाड़ी थी वो कहाँ पर थी, यहाँ पर थी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं 240 किलोमीटर। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सापेक्ष और निरपेक्ष गति वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक कार शहर वाई से शहर जेड की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो मान लीजिए ये है वाई शहर और ये है जेड शहर, तो गति दी है इसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तथा शहर जेड से शहर वाई की दूरी, शहर जेड से शहर वाई की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तो कार की औसत गति कितनी होगी ये हमें निकालना है। देखो दोनों कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो बराबर है, मैं ए मान सकता हूँ, तो इसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, 2 × x × y / x + y, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है और स्पीड भी हमें केवल 2 दी है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख के आंसर निकाल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 × x की वैल्यू पहली स्पीड, y की वैल्यू दूसरी स्पीड, बटे में हो जाएगा 60 + 65, तो 60 और 65 कितना होगा, ये होगा 125। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व करके आप इसको देख सकते हैं, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। तो देखो मान लीजिए ये बस है और जो व्यक्ति है वो यहाँ से आ रहा है, इसको पार करते हुए यहाँ से आ रहा है, तो सबसे पहले तो वो यहाँ पे पहुँचेगा, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा वो, चलते 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 लास्ट में कहाँ पे पहुँचेगा, ये इसके एंड पॉइंट पे पहुँच जाएगा। इसका मतलब बस को पार करना इसने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे उसका एंड पॉइंट है, तो इसके बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, जितनी बस की डिस्टेंस होगी। तो बस की डिस्टेंस मान लीजिए x मीटर है, ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगी x मीटर, और x मीटर को कितने सेकंड में वो पार कर रहा है, 18 सेकंड में पार कर रहा है, तो टाइम हो जाएगा 18 सेकंड। ठीक, तो ये मैंने पहली कंडीशन में डिस्टेंस और टाइम निकाल दिया। आगे दिया है यही बस 4 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। तो देखो खंभा तो स्थिर होता है, तो यहाँ पर खंभा होगा और बस इस प्रकार से आएगी, देखो ये बस है इस प्रकार से आएगी। अब देखो यहाँ से बस ने इसको पार करना स्टार्ट किया, तो इस प्रकार से ऐसे आगे जाते जाते बस का ये वाला जो छोर है वो एक कंडीशन में यहाँ पे आएगा और जो ये वाला छोर है ये इतना आगे चले जाएगा।
तो उस कंडीशन में देखो यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक वो पार कर रहा है, यानी यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी बस की डिस्टेंस होगी जो कि हमने एक्स मानी है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो भी होगी एक्स मीटर, और जो टाइम होगा वो कितना है, 4 सेकंड है, तो यहाँ पे 4 सेकंड हो जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है, तो बस तथा उस व्यक्ति की गतियों का अनुपात क्या होगा। तो बस की स्पीड, सबसे पहले बस की स्पीड निकालो, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस की स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस है एक्स और टाइम है 4, तो ये बस की स्पीड होगी। और व्यक्ति की स्पीड क्या होगी, व्यक्ति की डिस्टेंस है एक्स और स्पीड है 18, तो बट्टे में 18 हो जाएगा। और इनका अनुपात निकालना है, तो बीच में अनुपात का साइन लगा दो, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, यानी ये हो जाएगा 18 अनुपात 4। तो 2 से काट दो, यहाँ पर होगा 9 अनुपात 2, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ए और बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं, यानी बीच की डिस्टेंस हमें दी है 500 किलोमीटर। आगे दिया है, एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 8 बजे चलती है ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी की ओर, तो ए से बी की ओर यानी इस दिशा में ये चलती है। आगे दिया है, 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर आती है, 10 बजे दूसरी गाड़ी बी से ए की ओर आ रही है, और इसकी जो गति है वो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों गाड़ियाँ कब आपस में मिलेंगी ये हमें निकालना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी सापेक्ष और निरपेक्ष गति वाला क्वेश्चन है, तो मैंने बोला था कि सापेक्ष और निरपेक्ष गति वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें सबसे पहले हम टाइम बराबर करेंगे। तो देखो एक ही 8 बजे है, एक ही 10 बजे है, तो मैं सबसे पहले दोनों के टाइम को बराबर करूँगा, तो इसको मैं 8 बजे से 10 बजे में लेके आ सकता हूँ। तो 1 घंटे में ये 70 किलोमीटर चल रही है, तो 8 बजे से 10 बजे का मतलब 2 घंटे में कितना चलेगी, 70 गुणा 2 यानी 140 किलोमीटर चलेगी। तो 140 किलोमीटर की दूरी इसने 10 बजे तक तय कर दी। अब बचेगा कितना, देखो टोटल है 500, 500 में से 140 माइनस कर दो, तो 500 माइनस 140 यानी 360 किलोमीटर बचेगा। तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी अब 360 किलोमीटर, अब इनका टाइम बराबर हो गया, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 360 किलोमीटर और स्पीड हो जाएगी, देखो एक इधर की ओर आ रही है एक इधर की ओर आ रही है, यानी दोनों की गतियाँ आपस में निरपेक्ष हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो निरपेक्ष के लिए हम दोनों को आपस में प्लस करते हैं, और एक ही दिशा में होती यानी सापेक्ष होती तो तब माइनस करते हैं। तो एक की है 110, एक की है 70, तो इनको जोड़ दो, ये हो जाएगा टोटल 180। तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ, टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है 180, तो इससे ये कैंसिल इससे ये काट दो, तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम हो जाएगा 2 घंटे। ठीक है, मुझे क्या निकालना है कि दोनों गाड़ियाँ आपस में कब मिलेंगी, तो कब मिलेंगी, देखो 10 बजे से चलना प्रारंभ करेंगे और 2 घंटे बाद मिलेंगी, तो 10 प्लस 2 यानी 12 बजे दोनों आपस में मिलेंगी, इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर सकती है, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा, तो कार की धीमी गति कितनी है ये हमें निकालना है। अब देखो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखो इसमें हमें पहले टाइम दिया है 4.5 घंटे, तो 4.5 घंटे का मतलब 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 घंटे, और बाद वाला टाइम दिया है कि वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा, तो 4.5 घंटे में से आधा घंटा कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 घंटे हो जाएगा। तो अगर मुझे टाइम का अनुपात निकालना है तो मैं बीच में अनुपात का साइन लगा दूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये बटे में है तो इसका गुणा यहाँ कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/8, तो ये हमने टाइम का अनुपात निकाल दिया। अब मैं स्पीड का अनुपात यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो टाइम स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो स्पीड का हो जाएगा 8/9, और इसमें दिया है कि यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो बढ़ने और कम करने के लिए दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी एक की वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर, तो 8 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 8 गुणा 5 यानी 40 के बराबर होगी, और 9 की वैल्यू 9 गुणा 5 यानी 45 के बराबर हो जाएगी। तो उनकी स्पीड हमने निकाल दी, एक है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या निकालना है, कार की धीमी गति कितनी है, तो धीमी गति कौन सी है इसमें, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर होगा।
ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। देखो इसमें टोटल डिस्टेंस दिया है 61 किलोमीटर और टोटल टाइम दिया है 9 घंटे। आगे दिया है वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल द्वारा तय करता है। आंशिक रूप से का मतलब क्या है कि पहले अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से अगर वो पैदल चल रहा होगा तो उसके बाद वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल द्वारा तय करेगा। तो पहले 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर पैदल चल रहा है, फिर वो अगले घंटे में 9 किलोमीटर साइकिल द्वारा तय करेगा, फिर पैदल तय करेगा, फिर साइकिल द्वारा तय करेगा, फिर पैदल, फिर साइकिल द्वारा। तो ऐसे करते करते इसको टोटल 61 किलोमीटर तक जाना है। तो हम यहाँ से पेयर बनाना स्टार्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, तो टोटल कितने पेयर बनेंगे? तो इनको जोड़ दो, यहाँ पे हो जाएगा 9 और 4 13, यानी 13 किलोमीटर की दूरी तय करेगा वो 1 घंटे पैदल 1 घंटे साइकिल से। तो 2 घंटे में 13 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो कितना पेयर बनेंगे? 61 को 13 से भाग कर दो, 13 चक्कू 52, यानी टोटल 4 पेयर बनेंगे। ठीक है, तो 13 चक्कू 52 यानी 52 किलोमीटर की दूरी तय करेगा वो 4 दूनी 8 घंटे में। अब बचेगा कितना? टोटल 61 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 52 कर दिया है, तो बचेगा 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करनी है उसके? टोटल 9 घंटे हैं, 8 घंटे कंप्लीट हो गए हैं, तो बचेगा 1 घंटे। अब देखो इसमें वो साइकिल द्वारा चलेगा कि पैदल चलेगा? देखो पैदल वो चल रहा है 1 घंटे में 4 किलोमीटर और साइकिल द्वारा चल रहा है ये 1 घंटे में 9 किलोमीटर। तो 1 घंटा हमें चाहिए और 9 किलोमीटर चाहिए, यानी जो लास्ट वाली दूरी होगा वो साइकिल द्वारा तय करेगा। तो हमें क्या निकालना है, पैदल तय की गई दूरी कितनी है? तो कितनी है, 4 पेयर मैंने बनाए थे, यहाँ पे था 13 की वैल्यू, यानी 4 प्लस 9, तो 4 पेयर बनाए थे, तो 4 गुणा 4 यानी 4 चक्कू 16 किलोमीटर वो पैदल तय करेगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा? बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग को मीटर पर सेकंड में बदलने पर प्राप्त होता है। तो इसमें दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मुझे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो मैंने क्या बोला था, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में मुझे जाना है, तो संख्या को 5/18 से गुणा करते हैं। और अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो संख्या को 18/5 से गुणा करते हैं। तो मुझे 54 को किससे गुणा करना होगा? 5/18 से गुणा करना होगा। तो अब ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो 18 * 3 = 54, 5 * 3 = 15, यानी 15 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा? सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे कम समय लेगी, तो गाड़ी की सामान्य गति कितनी है ये मुझे निकालना है। अब देखो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखो इसमें स्टार्टिंग में दिया है यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो हमें उसकी सामान्य चाल नहीं पता, तो मान लीजिए उसकी जो सामान्य चाल है, जो ओरिजिनल स्पीड है, वो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो जो नई स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, इससे 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, यानी x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो ये हमने स्पीड निकाल दी। आगे दिया है तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे कम समय लेगा। 3 घंटे कम समय लेने का मतलब क्या है कि एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग में वो 5 घंटे लेता था, 5 घंटे लेता था जब वो अपने ओरिजिनल स्पीड से चलता था, बट उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो तब इससे 3 घंटे कम ले रहा है। तो इसमें से मैं 3 घंटे माइनस करूँगा तो कितने घंटे में तय करेगा वो? 2 घंटे में तय करेगा। तो ये तो इसका टाइम है पहले वाला और ये इसका टाइम है बाद वाला। तो अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा T1 - T2 = 3। ठीक है, तो ये वाला टाइम हमें नहीं पता, ये वाला टाइम भी हमें नहीं पता, बट हमें ये वाला टाइम पता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पहले वाला टाइम माइनस दूसरे वाला टाइम बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि 3 घंटे कम ले रहा है तो मैंने इसको माइनस करके 3 कर दिया। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, देखो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 के लिए जो डिस्टेंस होगी वो तो 360 किलोमीटर होगी, क्योंकि 360 किलोमीटर उसको जाना है, तो यहाँ पर होगा 360। बट मैं स्पीड कौन सी होगी, उसकी सामान्य चाल यानी ओरिजिनल स्पीड होगी, तो इसमें दिया है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर हो जाएगा x।
माइनस T2 के लिए देखो डिस्टेंस तो दोनों के लिए बराबर होगी, तो डिस्टेंस होगी यहाँ पर भी 360 किलोमीटर, और स्पीड कौन सी होगी, ये जो बाद वाली स्पीड है ये वाली, तो स्पीड है बाद वाली x+10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर। अब देखो ये वाली इक्वेशन मैंने बना दी, तो इसको मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। तो पहला तरीका तो इसको ट्रेडिशनली मेथड से सॉल्व करना है, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जिससे कि हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। दूसरा तरीका है इसको ऑप्शन से सॉल्व करना। तो देखो अगर मैं ए ट्राई करता हूँ, क्योंकि इसमें दिया है गाड़ी की सामान्य गति कितनी है, तो सामान्य गति मैंने एक्स मानी है, तो अगर मैं ए मानता हूँ तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 360/25। अब देखो इसमें वैल्यू पॉइंट में आएगी, जबकि हमें राइट हैंड साइड में पॉइंट में नहीं दिया है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब मैं बी ट्राई करता हूँ, तो मैं यहाँ पर करूँगा 360/30, तो इससे ये कैंसिल, इससे इसको काट दो, तो यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, तो ये हो जाएगा 12। माइनस में कितना होगा, यहाँ पर है 360/में x+10, यानी 30+10, तो ये हो जाएगा 40, तो इससे ये कैंसिल, तो 4 से काट दो, यहाँ पर हो जाएगा 9, तो 12-9 यानी किसके बराबर होगा, ये 3 के बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।